महाकाल महालोक बनने के बाद उज्जैन जिले के प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त उछाल आई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उज्जैन जिले में पंजक आय में 21% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं इंदौर उज्जैन संभाग की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर माह तक 13% अधिक राजस्व मिल चुका है। दोनों संभाग के 15 जिलों को 4,618 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य राज्य सरकार ने दिया। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में महाकाल मंदिर पर महालोक निर्माण के समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह महालोक उज्जैन की आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा कारण बनेगा। महालोक के निर्माण के बाद से पूरे जिले की प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह तक पंजीयन राजस्व आय में करीब 16% की वृद्धि हुई है। वहीं उज्जैन जिले में पंजीयन की आय में 21% से अधिक की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में सितंबर माह तक उज्जैन जिले में पंजीयन की राजस्व आय करीब 174 करोड़ थी, जो इस वर्ष बढ़कर 221 करोड़ से अधिक पर पहुंच चुकी है। जबकि इंदौर जिले में वर्ष 2022-23 में लगभग 920 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी, जबकि इस वर्ष करीब 1,065 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। हालांकि इस वर्ष सितंबर माह तक इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में राजस्व आय में 13.40% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में 1,725.72 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी, जबकि इस वर्ष सितंबर माह तक 1,956.96 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 232 करोड़ अधिक है। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में देखा जाए तो इंदौर उज्जैन संभाग में हमारे 15 जिले आते हैं पंजीयन के क्षेत्र से, जिसमें हमको करीब 4,618 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। यदि इस वित्तीय वर्ष के 6 माह में देखा जाए तो हमने अभी तक 1,957 करोड़ के लगभग आय प्राप्त कर ली है, जो वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 42.5% होती है। पिछले साल यदि इस अवधि में देखा जाए तो हमको करीब 2,725 करोड़ की इनकम हुई थी। इस तरह हम करीब 232 करोड़ रुपए प्लस में है, और इसी तरह से यदि दस्तावेजों का पंजीयन होते रहा तो हम इस वित्तीय वर्ष में निश्चित तौर पर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यदि पिछले साल की तुलना देखी जाए, यदि 22-23 में, तो 22-23 में हमको इंदौर उज्जैन संभाग में करीब 3,814 करोड़ की इनकम प्राप्त हुई थी, तो उसके तुलना में हम करीब 13-14% प्लस में चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो जैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर का करीब 23-24% हिस्सा रहता है उसमें। इस वर्ष वित्तीय वर्ष में भी इंदौर का जो टारगेट मिला है 2,540 करोड़ का मिला हुआ है। और यदि हम हमारे क्षेत्र की बात करेंगे, इंदौर उज्जैन संभाग की बात करेंगे, तो इसमें इंदौर के बाद में उज्जैन का नंबर आता है, देवास का आता है, धार का आता है, रतलाम आता है। यहाँ पे चूँकि दस्तावेज का पंजीयन अधिक मात्रा में होता है, और देवास हुआ, धार हुआ, धार में पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, तो ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में देवास के साथ साथ में उज्जैन में भी दस्तावेज की अधिक मात्रा में पंजीबद्ध हुए हैं, और वहाँ की इनकम में भी वृद्धि हुई है। इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में इंदौर और उज्जैन के अलावा धार, देवास, रतलाम में भी विभाग को अच्छी आय हो रही है, और इस बार राज्य सरकार ने दोनों संभाग को मिलाकर 4,618 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 42% से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि विभाग को इन दोनों संभाग में दिए गए लक्षण की प्राप्ति हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।